अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद सोहेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिजन सुपर परवास। नाज़रीन, मैंने कुछ दिन पहले ही, कुछ टाइम ही हुआ है, इतना टाइम तो नहीं, एक महीना भी नहीं हुआ ऑलमोस्ट, तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ कि कबूतर बहुत ना डाल रहा हो तो उसके अंडे किस तरह के नज़र आते हैं, और उसका मैंने ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया था। आए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जो मैंने सीजन के 4-5 पेयर लगाए थे उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी। जी तो दोस्तों, मैंने जो ट्रीटमेंट शेयर किया था आपके साथ उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ जी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये एक मेरे पास फिरोजपुरी जोड़ा है, उसके बच्चे हैं जी। ये एक वैशी कबूतर है, इसके साथ बटेरी मादा लगी है, इसी के ये दोनों बच्चे हैं। सिर्फ पलाई में इधर एक और पेयर था, उनके बच्चे मारे गए, तो उनके ये एक बच्चा है, दूसरा ये है, एक ही जोड़े के बच्चे हैं। ये है जी तीसरा पेयर, और ये आ गया जी वो पेयर जिसका मैंने आपके साथ इलाज शेयर किया था। यही वो कबूतर है बड़ा गोल्डन जो बहुत नहीं डाल रहा था, तो मैंने आपके आपको पिछली वीडियो में अंडे भी दिखाए थे इसके, दो वीडियो मैंने बनाई थी, दो तरह की मेडिसिन मैंने ऐसे यूज करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट आप लोगों के ये सामने है इस बार का। ये देखे जी, आज अभी अभी ये बच्चे निकले हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं देखता रहा था, आपको अंडे भी चेक करवाने थे, जब दोबारा उसकी फीमेल ने अंडे दिए थे, जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तब तक ये उठ चुका था अंडों से, और अंडे मैंने वो वाले फेंक दिए थे, और ये मादी है जी इसके साथ फिर रही है। ये है मादी सामने, इस मादी के साथ ये पैर लगा हुआ है ये, और वैशी का ये पैर है जी, ये फिर उस पूरी नर आपके सामने फिर है, ये तीसरा पेयर है, और वो आपके सामने जो है ना बाल्टी के पास चौथा पेयर है जिसके, और एक ये पेयर था जिसके अंडे, अंडों से बच्चे तो निकले हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी फर्टिलिटी की, तो उनके बच्चे मार गए। एक ये अंडे के अंदर ही मार गया था, एक वो नर है फीमेल का, और दूसरा एक बड़ा पेयर है वो जा रहा है वो नर, और इसके साथ ये पट्टी मैंने लगाई थी, इनका भी ये सेम प्रॉब्लम था, इन्हें भी मैंने मेडिसिन यूज करवाई, अभी दोबारा जब अंडे देंगे तो इंशाल्लाह इनका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, बच्चे पलते हैं नहीं पलते। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमजोर होते हैं जिस वजह से वो शुरू में ही मर जाते हैं, शुरू के ही 2-3 दिनों में, तो इनका भी मैंने ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट कर दिया, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि मैंने जो दो मेडिसिन यूज करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से जो है ना उसके बाद नर ने बुध भी डाला है और बच्चे भी निकले हैं, और बच्चे भी ठीक हैं, इनमें कोई मसला नहीं नजर आ रहा, आज के पहले दिन के बच्चे। मैंने सोचा दोस्तों के साथ जो इलाज शेयर किया था उसका रिजल्ट भी शेयर करना चाहिए, तो ये था उसका रिजल्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।